मैंने और भाभी ने लगवा ली है सावन की मेहंदी और बहुत अच्छा लगा ना भाभी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी हर कहानी। Hey guys, welcome or welcome back to my channel आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम भैया भाभी के साथ पहुंच चुके हैं सदर मार्केट में, क्योंकि कल से जो है वो सावन स्टार्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना मेहंदी वगैरह लगवा ली जाए। और यहाँ पे खड़े हैं पति देव, भाभी का जो है वो पहला सावन है आफ्टर मैरिज। तो अभी जो है हम लोग सदर मार्केट में आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो अभी देखते हैं मेहंदी वाले भैया मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि घर से निकलते निकलते हम लोग काफ़ी हो चुके हैं लेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रोड क्रॉस। तो काफ़ी जो है भीड़ है सदर मार्केट में, क्योंकि आज संडे भी है तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे देखिए भैया खड़े हैं, भैया भाभी खड़े हैं। चलिए उस साइड चल रहे हैं, उस साइड आओ यहाँ से। हाँ जी मैडम, आप क्यों में लगवा रही हैं? मैं भी अभी लगाऊंगी, अभी जो है भाभी को लग रही है, भाभी का पार्ट हो चुका है। अच्छा, भाभी मेहंदी लगवा रही है। पहले भाभी लगवा लेंगे, फिर उसके बाद मैं लगवा लूँगी। और अभी हम लोग इंस्टेंट वाली लगवा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं, लेट हो चुके हैं, तो इंस्टेंट वाली लगवा लेंगे। शुभ भी कर रहा है तो इसलिए। ये आप लोग आए सदर बाज़ार, काफ़ी भीड़ है संडे की वजह से ना। तो यहाँ पर मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है। हाँ। जी तो आपका शुरू हुआ? हाँ मेरा भी शुरू हो गया है। अच्छा, तो डिजाइन भी दिखा दो, बहुत सुंदर डिजाइन बना रहे हैं भैया। तो मैं भी इंस्टेंट वाली लगवा रही हूँ। अच्छा हाँ। इंस्टेंट वाली से अगर आपको कोई वो हो गया तो भोलेनाथ जी के नाम की मेहंदी है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। हर महादेव, हर महादेव। हाँ जी, वही मेहंदी। हाँ लग गई है। वाओ, बैक पे तो लगाई थी इन्होंने। आगे दिखाओ, लगाएंगे तो लगाएंगे भैया अभी बैक पे भी, अभी फ्रंट पे जो है लग गई है। और ये फटाफट जो है वो सूख जाएगी, तो इसका फायदा भी है। अब बस ये भोलेनाथ कृपा बनाए रखे, इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए रिस्क लिया है अभी। अच्छा, पर पापा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। पे देखती हूँ, कुछ सोच रही हूँ पीछे लिखवाने के लिए सावन का, तो देखती हूँ क्या लिखवाती हूँ अभी मैं। हाथ के बैक साइड पे लगा रहे हैं। हाँ, मुझे लगा शायद नहीं लगाएंगे, तो बट भैया लगा रहे हैं। अच्छा हाँ। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है भैया ने। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आगरा से मेरा व्लॉग देख रहा होगा ना, तो सदर में यहाँ पे भैया कौन से शॉप के बाहर बैठे हैं? हरी, ये नाम पढ़ के एक बार बता दो, नाम पढ़ के बता दो शॉप का। तो यहाँ पे भैया बैठते हैं, बहुत सुंदर मेहंदी लगा। तो आप लोग भी इनसे मेहंदी ज़रूर लगवाने आइएगा। अगर आप लोग आगरा से हैं तो सदर बहुत पास में है, तो मेहंदी लिया, बहुत सुंदर डिज़ाइन लगाया हुआ है इन्होंने। बहुत खास खास लगा दी, देखते एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने और भाभी ने लगवा ली है सावन की मेहंदी और बहुत अच्छा लगा ना भाभी, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, खुशी थी कि बोला मेहंदी लगवाई। हाँ, बोल बना रहा है। और अभी हम लोग झटपट मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम लोग को जल्दी करना था। और मार्केट भी हम लोग को जाना है मेले को। अब बस हम लोग अभी हम लोग चल रहे हैं मेले में,
और अभी और ये जुड़ी बताइएगा ननद भाभी की जुड़ी कैसी लगी हमारे बीच, हम लोग को मतलब बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। और रील आप लोग जाकर देखिएगा हमारे, आपका क्या आईडी है? आरती गुप्ता ऑफिशियल। और मेरा है प्रिंस की रंजित, आप लोग जल्दी जल्दी फॉलो कीजिएगा, एकदम बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, खूब ढेर सारा लाइक कीजिएगा। यस चलिए, तो गाइस काफी चलना पड़ रहा है क्योंकि अंदर तक जो है ऑटो नहीं आया, और यहाँ पे भी अभी जो है दुकानें लगनी शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पे बच्चों का जो है वगैरह लगा हुआ है, और सामने जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो अभी हम जाएंगे मंदिर में। और बहुत ही जो है दुकानें वगैरह सज चुकी हैं अभी, और इधर आइसक्रीम वगैरह की जो है वो लगी हुई है ठेल वगैरह, और सामने जो है बैरिकेड भी लगाए गए हैं ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऑटो वगैरह वो एंटर ना कर सके, और श्रद्धालुओं को ज़्यादा दिक्कत ना आए दर्शन करने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं के लिए, और कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। तो गाइस अभी जो है हम राजेश्वर मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और बाहर से देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर तरीके से जो है वो मंदिर को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर जो है वो डेकोरेशन की गई है पूरे मंदिर की चारों तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं, और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। काफ़ी श्रद्धालु अभी भी जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं आप लोग कितने ही अच्छे तरीके से जो है मंदिर को सजाया गया है। तो फ्रेंड्स राजेश्वर मंदिर का जो फुल व्लॉग है वो आएगा कल मेरे चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल पे। तो यहाँ पे प्रिंस भैया और रंजना भाभी को भी भोलेनाथ जी के दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे पहली बार जो है भैया भाभी इस मंदिर में आए हैं, तो उनको जो है पूरा मंदिर घुमाया हमने, और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग आ गए घर पे वापस, और फिर वापस आते ही हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फ्रेश होकर जल्दी से हमने डिनर वगैरह किया। अभी रात का डिनर हमारे यहाँ भी निकाल रहे हैं हम लोग, रात का डिनर वो भी आधी रात को, अभी थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, खाना बना हुआ है बहुत ही सुंदर।